नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ए और जे लेटर की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से अम्ब्रेला का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी छाता का चित्र। दोस्तों बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको बड़ा सा ए लेटर लिखना है, फिर इसके जस्ट नीचे ही दोस्तों ऐसे जे लेटर आप लिख दीजिएगा। इससे आसान आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप एक ऐसे आर्क लगाइए, इधर एक यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। इस तरह आप ऐसे बना दीजिएगा, यानी कि आपको एक छोटा सा ऐसे 3 नंबर लिख देना होगा दोस्तों। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिए। यहाँ पर एक ऐसे करेंगे, एक इधर ऐसे कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। ए लेटर लिखना है, इधर आप 3 नंबर लिखिएगा, ये हो गया। फिर बीच में भी आपको करना है दोस्तों, ध्यान से करिएगा। एक इधर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन लाकर पूरा आप यहाँ पर मिला दीजिएगा। इस तरह मिलाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको इधर ऐसे मिलाना है, तो आप इधर से हल्का सा यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा। बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी बहुत ही आसान तरीके से एक प्यारा सा छाता का चित्र बनाना सीख जाए। दोस्तों इधर भी बढ़ाइए, इधर भी बढ़ाइए। फिर इसके बाद यहाँ से भी आपको ऐसे बढ़ाते हुए इधर ऐसे कर देना है, और यहाँ से भी आप इधर से बढ़ाते हुए यहाँ पर मिला दीजिएगा। ये वाला भी आपको इधर ऐसे मिलाना था, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गलत हो गया दोस्तों, तो आप इधर से ऐसे यहाँ पर मिलाइएगा। इसके बाद ऊपर ही आपको एक पतला सा ऐसे वी लेटर लिख देना है। देखिए कितना आसान है। इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, फिर ऊपर ले जाइएगा, इधर ऐसे यहाँ पर, ये हो गया। इधर आपको छोटे छोटे ऐसे सर्कल बना देने होंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे सर्कल बना दीजिएगा। इस जे लेटर को हम इधर ऐसे मिला देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस जे लेटर को यहाँ से ऐसे इसको डार्क कर दीजिएगा। ऐसे डबल करेंगे तो डार्क हो जाएगा आसानी से। तो इसको पेंसिल या मार्कर की हेल्प से, जिससे भी आप बना रहे हो दोस्तों, आप उसका हेल्प लेते हुए इसको ऐसे डार्क कर दीजिएगा। ये बन गया दोस्तों हमारा बहुत ही सुंदर सा छाता का चित्र। और इधर से बारिश भी बना दीजिए, यानी कुछ बूंदे इसी छाते पे आप गिरा दीजिएगा, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इधर भी आप ऐसे कुछ बूंदे गिरा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सुंदर से छाता को कलर भी करना सीख लेते हैं।